आज शेयर मार्केट के बारे में, पिछले 2 सालों के बारे में बात करूंगा। मैं बहुत गहराई में इस बात पर नहीं जाऊंगा कि क्या कारण हुए शेयर मार्केट के बढ़ने के और गिरने के, और अभी क्या क्या कारण है जिस वजह से मार्केट अंडर प्रेशर। कोरोना काल के बाद साल 2020 और 21 में शेयर मार्केट में जो पार्टिसिपेशन हुआ है उसको इंडियन इक्विटी मार्केट का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। किस संदर्भ में कह रहा हूं, क्योंकि कोरोना काल के बाद मार्केट में जो पार्टिसिपेशन हुआ उसमें 2 तरह के लोग शामिल थे। जी हाँ, नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चर्चा इस बात पे होगी कि बीते 2 सालों में किस तरह के लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, वो 2 लोग कौन थे। तो एक लोग तो थे जो 10-20 साल से इस शेयर मार्केट में बराबर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, वो ट्रेडर हों या इन्वेस्टर हों, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि शेयर मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, वो इसी मार्केट में रहेंगे। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना का। तो पहली कैटेगरी तो थी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर ट्रेडर, और दूसरे वो लोग जिन्हें मैं रणबांकुरे कहता हूं, इन्होंने शेयर मार्केट की तरफ रुख इसलिए किया कि कोरोना काल में और कुछ करने के लिए था ही नहीं विशेष। 2 ही चीज चल रही थी यूट्यूब पे, एक तो कुकिंग चैनल चल रहे थे और दूसरे शेयर मार्केट के चैनल चल रहे थे। आदमी के पास कुछ भी नहीं था उस समय सिवाय फ्री का इंटरनेट और मोबाइल फोन, और उस पे सोने पे सुहागा शेयर मार्केट में RRR। ये मैं कोई पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं जो RRR अभी आई थी, ये मैं कह रहा हूं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। शेयर मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा था कि जो भी शेयर खरीदे गए वो बीते 2 सालों में 3 से 5 गुने भी हुए, दुगने तो हुए ही ऑलमोस्ट। तो इस तरह से रणबांकुरों की नई स्पेशीज इवॉल्व हुई, एक नई प्रजाति ने अपना रूप लिया। और ये 2 लोगों के अलावा तीसरे लोग और भी होते हैं जिनकी मैं कोई खास चर्चा यहां पर नहीं कर रहा हूं। वो शेयर मार्केट में समय के साथ आते हैं और समय के साथ चले जाते हैं। ये होते हैं चूहा ट्रेडर या इन्वेस्टर। तो चूहा ट्रेडर कब आते हैं, वो बिल से निकलते ही तब है जब तेजी आती है, और वापस बिल में घुस जाते हैं जब मंदी आती है। यानी कि मार्केट में उनकी एंट्री और एग्जिट दोनों बड़ी जल्दी जल्दी होती है, और इनका कोई मंतव्य नहीं है कि ये शेयर मार्केट में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, ये बस आते जाते रहते हैं। ये पिछले 10-20 साल से आते जाते रहे चूहा ट्रेडर, और आगे भी आपको ये चूहा ट्रेडर दिखते रहेंगे। मौके पे आए, पूंजी गवाई और वापस मार्केट से, फिर नई पूंजी लाए, कुछ नए चूहा ट्रेडर बने, फिर पूंजी गवाई, फिर वापस, यही नियम बना रहेगा। तो इनकी कोई खास चर्चा नहीं करूंगा। ट्रेडिशनल इन्वेस्टर की बात हो गई और बात हो गई रणबांकुरों की। वीडियो पूरा देखिएगा, आनंद आएगा। हर बार कोई शेयर की टिप नहीं होती है, लेकिन अगर ये वीडियो देखेंगे तो शेयर मार्केट के बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी है अगर शेयर मार्केट से लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमाना है। तो मैं आपको अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से बता रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं। कोरोना काल में कोरोना की वजह से शेयर मार्केट गिरा और निफ्टी 12,000 से गिरकर 7,500 आ गई। और ऐसा नहीं कि FIs ने उस समय बहुत सारी सेलिंग की थी, FIs ने मात्र 65,816 करोड़ की सेलिंग की, लेकिन वो सेलिंग इतनी तेज और पैनिक सेलिंग थी, इतना डर का माहौल था, एल्गो ट्रेड एक्टिव हो गए, सपोर्ट टूटते चले गए, M2M मार्केट पोजीशन धड़ाधड़ कटती चली गई। और ऐसा भी नहीं है कि DIs ने बाइंग नहीं की थी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी बाइंग की थी, करीब 55,595 करोड़ की बाइंग की थी, लेकिन माहौल ही ऐसा था कि बहुत तेजी से पोजीशन कटी थी और कई लोगों ने लॉस बुक कर लिया था या लॉस बुक हो गए, तो लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी शेयर खरीदने की। फिर आ जाता हूं अपनी बात पर, इन 2 लोगों में जो पहले तरह के लोग थे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर, जिसमें मैं भी आता हूं, इन्होंने डर की वजह से जब मार्केट गिरा मार्च 2020 में, तो 2-3 महीने बाद पोजीशन इसलिए काटी कि इन्हें लगा कि शायद मार्केट गिरेगा तो वापस पोजीशन को कवर कर लेंगे, आगे बाई कर लेंगे। तो इन लोगों का जो मार्केट को लेकर नजरिया था, प्रेडिक्शन था, आकलन था, वो सारा गणित गड़बड़ा गया, मार्केट गिरा ही नहीं। और मैंने ये बात 30 अप्रैल 2020 को ही पकड़ ली थी, उसी समय से मैं तेजी में आ गया था। ऐसा नहीं कि मार्च में मैंने बाइंग नहीं की थी, मार्च 2020 में जब निफ्टी 7,500 आई है उसके एक हफ्ते पहले से ही मैंने बाइंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मार्केट में इतना करेक्शन नहीं होगा, लेकिन बहुत पैनिक हो गया, 7,500 तक आ गया, तो वहां तक खरीदते खरीदते मैं भी खत्म ही हो गया था, पैसे भी खत्म हो गए थे और लग रहा था काफी गिर गया। इसीलिए जब अप्रैल में मार्केट थोड़ा सा बढ़ा तो मैंने कुछ पोजीशन अपनी सेल भी कर दी, कुछ बेचा भी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा जून जुलाई में भी बेचा,
जो इधर खरीदा था अप्रैल के बाद और मई में, इवन मई और जून फर्स्ट वीक में जो खरीदारी की थी वो भी बेची, खासतौर से रिलायंस मैंने खरीदा बेचा काफी, मुन्ना त्रिपाठी और कालीन भैया को। उस बीच के मेरे आप सारे वीडियो देखिए, मई जून जुलाई में कितना बुलिश हो गया था, और जो ये ट्रेडिशनल ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे, इन्होंने बहुत पोजीशन काटना शुरू किया जुलाई से, इनको लगा कि मार्केट गिरेगा, पोजीशन काट। अच्छा, इसके उलट एफआईज ने जुलाई से बाइंग शुरू की कस के 2020 अगस्त में। तो एफआईज ने दिवाली के बाद नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 में अच्छी खासी बाइंग की, यानी 65,000 करोड़ और 48,000 करोड़ की बाइंग की, 2 महीने में 113,000 करोड़ की बाइंग कर ली थी एफआईज ने। और इधर डोमेस्टिक इन्वेस्टर कहिए, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर कहिए, ये अपनी म्यूचुअल फंड से बढ़िया होल्डिंग काटने लगे नवंबर 2020 और दिसंबर 2020। इन्हें लगा अब तो मार्केट गिरेगा ही, तब खरीदेंगे, बजट के टाइम खरीदेंगे, जनवरी 2021 में खरीदेंगे, फरवरी में खरीदेंगे, और काफी होल्डिंग खाली कर दी। एफआईज ने क्या किया, एफआईज ने और बाइंग की। अब हुआ क्या कि दिसंबर, नवंबर और दिसंबर 2020 में जहां निफ्टी 12-13 हजार थी, उस निफ्टी को खींच के करीब 15,000-15,500 एफआईज ने कर दिया था फरवरी 2021 में। ठीक 2 महीने बाद करीब 42,000 करोड़ की और बाइंग की एफआईज ने फरवरी 2021 में। अब डोमेस्टिक का, ट्रेडिशनल का माथा ठनका। अब यहां पर ट्रेडिशनल तो थोड़ा चुपचाप भी बैठ गए, जो दूसरी कैटेगरी के लोग थे रणबांकुरे, वो एक्टिव हुए। उन्होंने कहा मार्केट तो बहुत तेज है और खरीदो, क्योंकि उन्होंने इस बीच बहुत अच्छा मुनाफा काटा था, उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा काटा था, तो उनको लग रहा था कि मार्केट तो तेज ही है। दूसरा कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टर भी लगे हुए थे, उनको लगा यार सारा माल तो नवंबर दिसंबर में छूट गया, फरवरी के बाद लोग खरीदारी शुरू करते हैं। अब यहां पे एफआईज ने अप्रैल 2021 से सेलिंग स्टार्ट कर दी। अब यहां पे महती रोल हो जाता है रणबांकुरों का। अगर 2 महीने में 2000 पॉइंट की रैली हो जाए तो सभी को ये लगता है कि मार्केट अब बहुत तेज है, एकदम बुल फेस में आ रहा है, बुल रन में तो चलना ही है इस मार्केट को। मैं बराबर कह रहा हूं 20,000 आएगा, हो सकता है इसी साल के अंत तक आए, दिसंबर तक, या हो सकता है फरवरी तक आएगा। लेकिन मार्केट में जो सोचा जाता है कभी कभी वैसा नहीं होता है, तो नहीं होता है तो उसकी तैयारी रखी जाती है, इसी का अनुभव होता है, और इसी को मार्केट में रुकना कहते हैं कि रुके रहेंगे भाई, 4 महीने आगे टारगेट आ जाएंगे। जैसे तनख्वाह रुक जाती है प्राइमरी स्कूल के टीचरों की, 4 महीने बाद मिल जाती है। और यहीं पे एफआईज का आंकड़ा 2020 में जो सेलिंग का था मार्च 2020 में, वो 2020 के दिसंबर तक 64,000 प्लस हो गया। एफआईज का आंकड़ा 64,000 करोड़ प्लस का हो गया कि उन्होंने खरीदारी की है, ये दिखने लगा। अब रणबांकुरों की बात करता हूं कि अप्रैल 2021 से जो इन्होंने खरीदारी की कमान संभाली तो अभी तक संभाले हुए हैं, और यही डटे हुए हैं, इन्हीं के डटे रहने की वजह से ट्रेडिशनल इन्वेस्टर बच गया, और इन्हीं का घाटा हुआ है सबसे ज्यादा, और इस बार इन्हीं रणबांकुरों ने ट्रेडिशनल इन्वेस्टर को संभाला भी है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा दो गाड़ियां कभी कभी आपस में टकरा जाती हैं, क्रैश हो जाती हैं, टक्कर हो जाती है, तो आजकल कार कंपनीज ऐसी धातु, ऐसा मेटल बनाती हैं, ऐसी चादर बनाती हैं जो ऊर्जा को अवशोषित कर ले, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, और अंदर बैठी सवारियों को जरा भी चोट ना लगे, उनको कुशन मिले, और एयरबैग तो खुल ही जाते हैं। तो उसी तरह शेयर मार्केट में जब क्रैश हुआ, जब गिरावट हुई, तो इन रणबांकुरों ने ट्रेडिशनल इन्वेस्टर को कुशन दिया। वो अलग बात है कि रणबांकुरे कस के काटे गए, इनकी कस के कटाई हुई है, कटा भी कस के है इनका, लॉस भी इन्होंने ही बुक किया। लेकिन होता है ना कि वो सेना में आगे आगे चलते हैं तो सेनापति सुरक्षित हो जाते हैं। पुराने रणबांकुरे मरते रहे, नए रणबांकुरे आते रहे, अपनी पूंजी गंवाते रहे, फिर नए रणबांकुरे अपनी पूंजी लेकर आए, उन्होंने अपनी पूंजी गंवाई। इस बीच सारी एफआईज की सेलिंग इन्होंने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब की और मार्केट को ही पूरा कुशन दिया। नए एंट्री करते रहे, पुराने निकलते रहे, और ऐसा नहीं है कि ये रणबांकुरे किसी के कहने पे ऐसा कर रहे थे, ये खुद ही पारंगत हो गए थे यूट्यूब देख के। यूट्यूब देखते रहे, पारंगत होते रहे, करते रहे, गलतियां करते रहे, अब गलतियां करते करते अब गए थक, अब डर रहे हैं। लेकिन काफी कुछ इन्होंने मार्केट को संभाला, मार्केट की सेलिंग में काफी फ्लो आया। दूसरा, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर भी बहुत समझदार हो गए थे। हो क्या रहा है कि इस समय शेयर मार्केट बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, और शेयर मार्केट में हद से ज्यादा सट्टा हो रहा है। आज ही का दिन लीजिए, 9 जून है आज, 9 जून आज एक्सपायरी वीकली होती है, और 2-2 करोड़ मिला के 4 करोड़ पोजीशन खड़ी है ऑप्शंस में। इतना लंबा लंबा सट्टा होगा वीकली में, तो जब सट्टा होगा तो इसीलिए आखिरी घंटे में आज शॉर्ट कवरिंग लगी मार्केट में। यह अलग बात है कि कल मार्केट गिर जाए, लेकिन आज उसने 16,450 के ऊपर की बंदी दे दी, जबकि सुबह 16,250 पे चल रहा था, शायद 16,200
40 या 50 पे चल रहा था, इतना गिर के खुला था। इतनी पोजीशन बना ली कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। कोई नहीं, धीरे धीरे रणबांकुरे भी मैच्योर हो जाएंगे। रणबांकुरों के लिए एक अच्छी बात हुई है या पूरे शेयर मार्केट के लिए एक अच्छी बात हुई कि जहां पे 2 साल पहले 2 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करते थे, वहां लगभग 8 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं इस साल तक अभी तक, और मुझे लगता है कि 9 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। तो मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा आ गया है और धीरे धीरे ये शेयर मार्केट अच्छा फलेगा फूलेगा। मार्केट में कोई गड़बड़ी होनी नहीं है इन द लॉन्ग रन। ये शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं तो और क्या है कि रोज FIs 1000 करोड़ से 5000 करोड़ की सेलिंग कर रहा है बराबर। जनवरी 2022 से अभी तक 2,40,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है आज तक का डेटा जो बता रहा है। तो ये सारी सेलिंग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुई ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड के। उससे म्यूचुअल फंड में भी एक बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि इस बार पोजीशन ज्यादा एग्जिट नहीं की है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, रिटेलर है जो, या रणबांकुरे तो भी मेन शेयर मार्केट में ही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, जो छोटे रिटेलर हैं, जो SIP करते हैं, SIP बहुत बड़ी, SIP का जो फ्लो अप्रैल में था उससे ज्यादा फ्लो मई में हुआ। तो इसका मतलब कि डटे हुए हैं ना पोजीशन में, जितना FI सेल करता जा रहा है उतना ही खरीदारी करते जा रहे हैं, जिद है कि खरीदारी कर रहे हैं। तभी तो मैं कोरोना काल को स्वर्णिम काल कहता हूं। इस समय जो शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा, जो शेयर मार्केट का दायरा बढ़ा, जो लोग यहाँ पे आए वो काफी लोग आ गए। 8-9 करोड़ डीमैट अकाउंट खुलने का मतलब है कि 10-11-12 करोड़ लोग इनडायरेक्टली इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ये है कि उनकी थोड़ी अभी दिशा गड़बड़ है, सट्टा बाजार समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा बिजनेस समझने की जरूरत है। आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, 2025 तक यही इंडियन इकोनॉमी मेरे ख्याल से 5 ट्रिलियन जैसा बता रहे हो जाएगी, और 25-30 तक फिर 10 ट्रिलियन भी होनी चाहिए, तब तो शेयर मार्केट बहुत बड़ा रूप ले लेगा, बहुत सारे अवसर होंगे, और ये शेयर मार्केट जो आज यहाँ है इससे ज्यादा 1-2 गुना 3 गुना ज्यादा आगे होगा 2030 तक। तो अगर 10-15 साल आप रुकेंगे, अगर अभी नए लड़के हैं 25 साल के, तो 45-50 साल के जब तक होंगे तब तक ये शेयर मार्केट बहुत ही विकसित और मैच्योर हो जाएगा, काफी मैच्योर हो जाएगा। FIs ने 2008 में मार्केट क्रैश कर दिया था। बिकवाली कितनी की थी? 1,00,000 करोड़ की। 1,00,000 करोड़ की बिकवाली करते हैं, वो भी लगभग उन्हें एक साल लगता है 2008 में, और गिरावट हो जाती है मार्केट में बहुत ज्यादा की। 6300 की निफ्टी थी मुझे लगता है, और शायद 2400 या 2000 आ गई होगी, एग्जैक्टली नहीं आता, लेकिन 6300 तक गई थी। वैसे तो उस समय इंडियन इकोनॉमी भी बहुत बड़ी नहीं थी, अभी इंडियन इकोनॉमी का ज्यादा बड़ा आकार है, शेयर मार्केट का बड़ा आकार है, तो उस समय के हिसाब से 2008 के हिसाब से 1,00,000 करोड़ भी ज्यादा था। लेकिन अभी तो 2021 और 22 में FIs ने 3,33,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है, इतनी लंबी सेलिंग की है। ऐसा नहीं DIs ने खरीदा नहीं है, DIs ने भी 2,90,000 करोड़ की खरीदारी की है, बराबर खरीदारी की है। इसमें रणबांकुरों का बहुत बड़ा योगदान है, खरीदारी करते ही चल रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि FIs को इस बार थोड़ा महंगा ना खरीदना पड़े। भाई FIs की जो होल्डिंग चल रही है इस समय वो सबसे निचले स्तरों पे चल रही है इंडिया में पिछले 10-12 सालों में, तो खरीदना तो है ही, उनको खरीदेंगे भी। और एक चीज और मत भूलिए, इसमें चूहा ट्रेडर का भी बहुत योगदान रहा है, भले अपनी पूंजी गंवा के गए हो लेकिन कुछ ना कुछ सेलिंग को उन्होंने भी देखा है, पैसे लगाए हैं यहाँ पे, खरीदारी की है सेलिंग में और फिर घाटे में बेच के भी चले, तो चूहा ट्रेडर को भी हम लोग भूल नहीं सकते। ये रणबांकुरों का ही कमाल है कि FIs तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, स्टॉक्स बेच रहे हैं, कारण कुछ भी हो, कारण को छोड़ दीजिए, स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं, सेलिंग है बाजार में, कारण कोई भी हो, और रणबांकुरों का ये कमाल है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन एक नायक को तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे, अब ये समय बताएगा कि घुटने किसको टेकने पड़ेंगे। हमको तो लगता है FIs दोबारा खरीदारी करने हो सकता है, 15 अगस्त के बाद मार्केट सुधरे और दिवाली में इसका असर दिखने लगेगा, क्योंकि सेलिंग भी बहुत हो गई है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि डर लग रहा है, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इन्वेस्टर जो इंडियन इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म में वो आश्वस्त हो गया है कि शेयर मार्केट में पैसा बनेगा ही। इसीलिए मई में SIP का म्यूचुअल फंड का SIP फ्लो बढ़ा, वो इसीलिए बढ़ा कि शेयर मार्केट में जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो 10-15 साल से इस मार्केट को देख रहे हैं, उन्होंने अच्छा पैसा लगाया इस गिरावट में, वो आश्वस्त है कि मार्केट बढ़ेगा और उनको समझ में आ गया है कि पैसा यहीं बनेगा, और ये सही बात है कि पैसा यहीं बनेगा शेयर मार्केट में, बस जरूरत है तो रुके रहने की, ठहरने की। बहुत बढ़िया बात है कि एग्जिट भी नहीं लिया है, पहले एग्जिट कर लेते थे, या फिर हो सकता है ये भी सोचा जा सकता है कि एग्जिट करने का मौका ही नहीं है, प्रॉफिट में ही नहीं है, तो सोचा नीचे के लेवल पे खरीद ही लो, जो बढ़ेगा तब एग्जिट कर लेंगे, जैसे कि 2020 नवंबर और दिसंबर में किया था एग्जिट।
एक डेटा बता रहा हूं, 2008 की अगर FIs की 1,01,00,000 की बिकवाली को हटा दिया जाए तो FIs ने 2009 से अभी तक 4,50,00,000 की बाइंग की है और इसी बीच उसने 5,00,00,000 से ज्यादा की सेलिंग कर दी है। अब यहां पे एक चीज हो सकती है, जो 12-13 साल पहले DIs ने सेलिंग की और FIs ने उस समय बाइंग की, तो FIs के 4,50,00,000 इस समय 10-12,00,00,000 बन सकते हैं, उसी को वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, क्योंकि 2013-14 के बाद बहुत दिनों बाद उसको ऐसा मौका मिला है कि उसका डॉलर थोड़ा ठीक है तो उसको कुछ फायदा मिल रहा है तो पैसा निकाल रहा है। और दूसरा फायदा है वो अलग बात है, इवेंट भी ऐसी कि वो पैसा निकाल रहे हैं, फेड रेट बढ़ा रहा है तो उनको लगता है वहां पे, लेकिन ये सब कहने की बातें। वापसी इमर्जिंग मार्केट्स में ही होगी, इंडियन में हो, चाइना में हो, कहां हो, लगता है कि इंडियन मार्केट्स में वनस्पत सबके जो रेशियो रहेगा, जो अनुपात रहेगा, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट का एशियाई देशों में इंडिया की तरफ रहेगा। तो 15 अगस्त तक FIs की सेलिंग लगभग खत्म होनी चाहिए, लगभग नहीं तो 90% ओवर हो जानी चाहिए, और 15 अगस्त के बाद एक बार मार्केट को बढ़ना चाहिए, एक अच्छी उड़ान शेयर मार्केट में होनी चाहिए। अब समय है कि एक बार जब फिर गोता लगाएगा, 15,800 आएगी निफ्टी, या 15,000 आएगी, या 14,300 आएगी, जहां पे भी आएगी, और वो बहुत दिनों के लिए नहीं आएगी कि 10-15 दिन, 25 दिन, 50 दिन रहे, वो मार्केट झप से नीचे आएगा, वो चाहे 14,000 तक आए, 14,300 तक आए, 15,800 तक आए, उसके बाद वो यही 16,000 के आसपास आके रुक जाएगा। ये नहीं कि सीधे 18,000 जाएगा, लेकिन 16,000 के आसपास रुक जाएगा। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, निजी राय है, कि एक बार 17,000 निफ्टी को जाना चाहिए, उसके बाद गिरावट होनी चाहिए, लेकिन ये सब जून और जुलाई में सब कुछ हो जाएगा, ये मान के चलिए, अगस्त के बाद अच्छा होगा। हाँ, और मेरी एक राय रणबांकुरों को है कि भाई एफेंडो में बहुत काम मत करिए, बहुत सट्टा मत करिए, इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए शेयर मार्केट को, ये आपका एक बिजनेस है, यहां से आप धीरे धीरे ही पैसे कमा पाएंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो सारी पूंजी डूब जाएगी, और मैं चाहता नहीं हूं कि रणबांकुरे इस तरह से डूबे। मैं चाहता हूं रणबांकुरे कल को ये कहें कि मैंने कोरोना काल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, अब मैच्योर हो गया हूं 10 साल बाद, और हर महीने एक अच्छे पैसे घर बनाकर लाता हूं। तो शेयर मार्केट में मेरे प्रिय रणबांकुरों, आपको संदेश, शेयर मार्केट में सट्टा मत करिए, ये आपकी छोटी दुकान है, छोटा सा बिजनेस है, और यहां खूब पैसा कमाइए आप लोग। इसी शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूं। वीडियो में कही गई मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए ये वीडियो, और चैनल आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।